हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, और इनमें जो जॉब वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें कोई एजेंट शामिल नहीं है, तो आपको इसके लिए मुझसे कांटेक्ट करना है, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी होगी और आप देख लेना पहले कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं, अब पहले ये बता देता हूँ मैं आपको, जो ये कंसल्टिंग एजेंसी है ये है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ठीक है। और जो ये इसके जो हेड हैं, ठीक है, ये साउथ अमेरिका के हैं, साउथ अमेरिका इमिग्रेशन से। इनका नाम है ओरेन कॉर्बिन, ठीक है। इनसे मेरी बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और आज इन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी है ईमेल पे, जो कि आप ईमेल पे देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे शायद आपको उल्टा देखेगा, आपको मैं शो कर दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहले मैं आपको कंट्रीज बता देता हूँ जिनके लिए कि जॉब वैकेंसीज हैं। जर्मनी, जर्मनी में सिटी रहेगी हैम्बर्ग। दूसरी है कंट्री फ्रांस, इसमें सिटी रहेगी आपकी पेरिस। अगली है कंट्री स्विट्जरलैंड, इसमें सिटी रहेगी बर्न, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है इंग्लैंड, इसमें सिटी रहेगी बर्मिंगम। अगली कंट्री है आयरलैंड, और इसमें सिटी रहेगी डबलिन। और अगली सिटी सॉरी अगली जो कंट्री है वो है स्कॉटलैंड, और इसमें सिटी रहेगी एडिनबर्ग, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगा, सैलरी पोस्ट सब कुछ। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप पहले से जुड़े हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में सिटी है हैम्बर्ग, जिसके लिए की जो वैकेंसीज अवेलेबल है, और इसमें जो पहली पोस्ट है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 97, सॉफ्टवेयर डेवलपर 97 पोस्ट है। अब इसी में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए भी है, तो इसमें कुकिंग स्टाफ चाहिए 22, ठीक है। सेफ चाहिए 4, क्लीनर चाहिए 43, रिसेप्शनिस्ट चाहिए 9, टोटल वैकेंसीज है 76, ठीक है। अब इसी में यानी कि जर्मनी में कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी चाहिए, वो है बिल्डिंग मेसन, जो मिस्त्री होते हैं बिल्डिंग के, उनके हैं वैकेंसीज 11। रूफ टॉपिंग 8, 8 वैकेंसीज है इसमें 8, ठीक है। वाइन फैक्ट्री वर्कर्स, तो इसमें चाहिए 68, ठीक है। ये थी जर्मनी के लिए। अब अगली कंट्री है फ्रांस। फ्रांस में सिटी रहेगी, जो जॉब लोकेशन है वो पेरिस है, और कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम जो है हरना हर्न हम हैम, पढ़ सकते हो आप HERNHAM हर्न हैम, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए इसमें भी 23, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक, ठीक है। एक्सपीरियंस शुड बी इन रिएक्ट JS, नोड JS, डिजैंगो, ये जो भी होता होगा आप लोग समझ लेना, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। टोटल वैकेंसीज हैं इसमें 57, ठीक है। अब अगली है सिटी, इसमें बोर्डेक्स, ठीक है, बोर्ड BORDEAUX, ठीक है, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा, फिर भी आप देख लेना इसमें है। और इसमें वाइन फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए 43, वेयर हाउस पैकिंग में चाहिए 122, तो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वेयर हाउस पैकिंग में। सिटी रहेगी अगली जो वैकेंसी है, सिटी है उसमें पेरिस। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए चाहिए कुक 27, शेफ चाहिए 14, वेटर सर्विस चाहिए 45, रिसेप्शनिस्ट चाहिए 23, ठीक है। अब इसमें एक इन्होंने नोट लिखा है, वो ये है कि इंग्लिश स्पीकर इज मस्ट फॉर वेटर एंड रिसेप्शन, एंड फ्रेंच लैंग्वेज लर्निंग ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उनको फ्रेंच लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री, जो कि स्विट्जरलैंड है। सिटी रहेगी बर्न। हॉस्पिटैलिटी के लिए है इसमें सबसे पहले, तो इसमें पोस्ट है किचन हेल्पर 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज, कुक चाहिए 12, वेटर चाहिए 7, रिसेप्शनिस्ट चाहिए 3। और आउट ऑफ शेंगेन कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं आप, तो इंग्लैंड है इसमें कंट्री, इसमें सिटी रहेगी बर्मिंगम। और इसमें मेटल फैब्रिकेशन वर्क के लिए चाहिए ब्रेजर 7, कटर चाहिए 20,
मेटल वर्कर चाहिए 18, स्क्वाड्रर चाहिए 10, इसी में जो सिटी है वो है मैनचेस्टर, और इसमें जो चाहिए पोस्ट वो है स्ट्रक्चरल मेटल फैब्रिकेटर, 35 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें, वेल्डर चाहिए 26। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्री आयरलैंड की, यहाँ पर सिटी है डबलिन, एग्रीकल्चरल वर्कर चाहिए इसमें 24, वेयर हाउस वर्कर चाहिए 32, फार्म वर्कर चाहिए 11, फॉकलेट ऑपरेटर चाहिए 5। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है स्कॉटलैंड की, सिटी है एडिनबर्ग, हॉस्पिटैलिटी क्लीनर चाहिए इसमें 27, रिसेप्शनिस्ट चाहिए 4, पाइप फिटर चाहिए 4, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए 30। ठीक है, तो ये थी सारी वैकेंसीज जिसके लिए कि आप लोगों को अप्लाई करना है। अब इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की, और भी बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी है यहाँ पर इसमें जो सैलरी मिलेगी वो आपको आर्ली बेसिस पे मिलेगी। ठीक है, तो जो मिनिमम सैलरी रहेगी आपकी, एवरेज पे रेट जो कि वहाँ का नेशनल एवरेज पे रेट है, उसके हिसाब से आपको पर आर बेसिस पे सैलरी मिलेगी, जो कि मिनिमम 9 यूरो से लेकर 26 यूरो तक रहेगा, और सैलरी जो है आपके जो ऑफर लेटर है उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, तो वर्किंग आवर्स यहाँ पर हैं 44 आवर्स इन अ वीक, 5 डेज वर्किंग रहेगी। ठीक है, और वर्किंग आवर की जो बात करें तो वो 9 9 घंटे का रहेगा, जिसमें कि 1 घंटा जो आपका है, नहीं सॉरी 1 घंटा नहीं, 9 घंटे की आपकी जो है ड्यूटी है, जिसमें कि ब्रेक है 45 मिनट का, वो रहेगा। OT इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, यानी कि ओवर टाइम इसमें एक्सक्लूड किया गया है, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो 9 आवर से ऊपर वो काउंट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ये मिनिमम 2 साल का रहेगा, जिसमें कि आपको TRC भी मिल रही है, TRC हो गई टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। ठीक है, ये भी आपको दिया जाएगा, और ये जो वीज़ा है 2 साल का तो है ही, लेकिन एक्सटेंडेबल है। ठीक है, तो ये आपका डबल बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर, एंड क्लाइंट इंटरव्यू विल डिसाइड सिलेक्शन प्रोसेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड वाइन फैक्ट्रीज वर्कर, सबके लिए जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 लोग हैं जिनका कि नहीं होगा, जो कि जैसे कि एग्रीकल्चर में है और वाइन फैक्ट्री वर्कर है, तो इनका जो है इंटरव्यू नहीं होगा, बाकी सबका इंटरव्यू होगा, उसी में डिसाइड होगा कि क्या आपको सैलरी मिलेगी या फिर आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इसमें इन्होंने कहा है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल वैकेंसीज। ठीक है, सभी वैकेंसीज में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। वर्कर शुड बी एबल टू, और अगर वर्कर की बात करें तो वर्कर को बोलना आना चाहिए इंग्लिश में, समझना आना चाहिए जो उनको बोला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ख़ासकर जो IT इंडस्ट्री है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए IT कंपनीज की जॉब के लिए, ख़ासकर जैसे मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर बोला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोला, तो उनके लिए। ठीक है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों के लिए। अब इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई आपको इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड ऑन क्लाइंट इंटरव्यू, इफ कैंडिडेट सिलेक्टेड हिज और हर फाइल विल बी टेकन अप फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए फाइल को लगा दिया जाएगा। वीज़ा प्रोसेसिंग पीरियड की अगर बात करें, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रहेगा आपका 3 से 4 महीने का। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम 2 महीने रहेगा और मैक्सिमम 3 से 4 महीने। ठीक है, तो इतना टाइम तो लगना ही लगना है, 2 से 4 महीने मान के आप चलो। और मेडिकल फिटनेस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट शुड बी मेडिकल प्रूवन फिट एंड हेल्थी, नो साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस शुड बी फाउंड, और आपको ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट रिपोर्ट भी लगानी होगी। ठीक है, बाकी आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि
क्रिमिनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जो भी लोकल अथॉरिटी है यानी कि आप उनसे बनवा सकते हो, और ये होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी जॉब वैकेंसी, और इसमें जो आपको फ्री जो अदर बेनिफिट मिल रहे हैं जैसे कि फ्री फूड, एकोमोडेशन, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो इन सब पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब मैं एक काम करूँगा कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं सबके लिए, आप लोगों के लिए कल सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले वीडियो पूरी देखना, जिन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी वही मुझे अप्लाई करने के लिए बोलना। और अप्लाई कैसे करना है, आपको नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपनी सिटी लिखनी है जहाँ से आप हो, और आपकी क्वालिफिकेशन, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंट्री के लिए, और अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेरे को बतानी है, उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊँगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर देखो, मैं आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाऊँगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तब आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में लगेगा, ठीक है। तो ये है बात, बाकी इसमें सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी आप पहले ये सोच के चलना कि इसमें सर्विस चार्जेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये रही वीडियो आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कल, ठीक है। कल या फिर हो सकता है अगर ये वीडियो आज है 15 तारीख है तो हो सकता है ये कल 16 में भी आए आपके पास, या जब भी आप देखोगे वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।